ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, और वो होने वाला है MCO 23 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हम क्यों करेंगे और उसकी उसके क्या क्या महत्व है, किस लिए स्ट्रेटेजी की जाती है, ये हमारा टॉपिक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, इसको पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जो बच्चे इस वाले सेशन में एग्जाम देना चाह रहे हैं MCO 23 का, MCO 23 कह रहा हूँ, जिनका एडमिशन MCOM में Jan 2022 में हुआ है, वो चाहें तो इस सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्जाम देना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स हमसे ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, और आप एग्जाम भी दे सकते हैं। बट एट लास्ट माई सजेशन वुड बी टू टेक अप द एग्जामिनेशन इन दिसंबर ओनली। दिसंबर में अगर आप दोगे तो आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का, असाइनमेंट्स भी आप टाइम पे एक तरीके से सबमिट कर पाओगे। तो बेनिफिट्स हैं अगर आप दिसंबर में लेते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे, इस तरीके के भी थे कि दिसंबर में देने से क्या हमें कोई दिक्कत होगी। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने आपके पूरे हो जाते हैं, आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो उसके बाद, ठीक है ना? तो जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है उसके बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि मैं अभी करा रहा हूँ जूम पे, उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल हैं फॉर ऑल द कोर्सेस जो कि चार्जेबल होंगी। बट अगर आप क्लासेस करते हैं तो यहाँ पे नोट्स के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, साथ ही साथ असाइनमेंट्स के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है व्हेन एवर यू आर डूइंग अ ऑनलाइन क्लास, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो चलिए फिर इसके बारे में आप देख लेते हैं। ओके देन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी में, विद द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, कंपनीज हैव टू मेक क्लियर स्ट्रेटजीज एंड इंप्लीमेंट देम इफेक्टिवली एज टू सर्वाइव, है ना? तो जिस तरीके का प्रेशर जो है हमारे मार्केट में बढ़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है, उस टाइम पे कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही क्लियर हो, ज्यादा वो दिमाग ना लड़ाएं, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है उसी को फोकस करके उसी को एक तरीके से इंप्लीमेंट करते रहें, ताकि आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत ना हो। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो उसमें फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस तभी आएगा जब आप कोई एक स्ट्रेटेजी सोच लोगे कि नहीं, मुझे इसी तरीके से काम करना है। हालांकि एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है जब चेंजेस होती हैं, राइट? बट फिर भी जब चेंजेस नहीं हो रही हैं, या फिर प्लान स्टार्ट करने के पहले आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए, उसके लिए एक पक्की स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। और जिस तरह का एक्सटर्नल थ्रेट्स अभी अभी के टाइम पे किसी भी बिजनेस के लिए पोज हो जाता है, उस टाइम पे स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, ठीक है? अगला पॉइंट है, देयर हैव बीन कंपनीज लाइक मार्टिन बर्न, जिसॉप्स, ईटीसी, दैट हैव कंप्लीटली बिकम एक्सटिंक्ट, एंड सम कंपनीज व्हिच वेयर नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर, दे हैव बिकम द मार्केट लीडर्स लाइक रिलायंस, इंफोसिस, इन टेक्नोलॉजीज, ईटीसी, है ना? तो एक टाइम पे मार्टिन बर्न, जोसेफ बोलकर, जेसॉप्स बोल करके कंपनीज हुआ करती थी, जो कि अभी के टाइम पे कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आई भी हैं, इंडिया में तैयार भी हुई हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। जिस तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज करा और वो लोग सर्वाइव कर पाए, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन हैज नॉट बीन गवर्नमेंटल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर रिलेशन, बट द टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दैट डिफरेंट कंपनीज हैव शोन इन कंडक्टिंग इन द बिजनेस, है ना? तो जो बेसिक फैक्टर है वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, या जो लेबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर रिलेशन है, वो कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो तकरीबन हर एक कंट्री में होती है। फर्क पड़ता है कि आप स्ट्रैटेजी किस तरीके से तैयार कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल वगैरह पास किया, तो आप उस रूल को किस तरीके से टैकल करोगे, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से सर्वाइव करवा पाओगे, ये चीज होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट टू इट्स यूजर्स। एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको वहां पे मिल सकती हैं। ओके देन, तो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू इट्स यूजर्स। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट हमें यहाँ पे निकल करके आता है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगा डिफरेंट कलर से, जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला है स्ट्रेटेजी हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस ऑन लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, है ना? तो जब आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हो ना, तो स्ट्रेटेजी में जनरली आप डिसीजन ही लेते हो कि आपका स्टेप्स क्या होगा इन कमिंग फ्यूचर।
आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, राइट? तो स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के डिसीजन ले सकें लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, है ना, कि लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। ये चीजें जो है हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट अलाउज द फर्म टू डील विद द न्यू ट्रेंड एंड मीट कॉम्पिटिशन इन एन इफेक्टिव मैनर, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन चेंजेस होते रहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में बदलाव होते रहते हैं, कंपनी के काम करने का तरीका बदलते रहता है, तो उस चीज के लिए, उसको टैकल करने के लिए, ट्रेंड के साथ मीट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पे जो भी नया ट्रेंड होगा या फिर जो भी कॉम्पिटिशन अभी आपको पोज कर रहा है, जो भी कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ रहा है, उसको अगर आप इफेक्टिवली उसको मैनेज करना चाहते हो, उसको टैकल करना चाहते हो, तो उस केस में स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ट्रेंड्स को मीटअप करने के लिए, राइट। तीसरा पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी द मैनेजमेंट बिकम्स फ्लेक्सिबल टू मीट अनएंटिसिपेटेड फ्यूचर चेंजेस, है ना। वही बात मैं कहने की उसी को एक्सटेंड करके एक तरीके से बोला गया है कि स्ट्रेटेजी के हेल्प के साथ मैनेजमेंट जो होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जो भी कमिंग फ्यूचर में अनएंटिसिपेटेड फ्यूचर चेंजेस, मतलब जो एंटिसिपेटेड है, जो आपने सोच के रखा है कि आने वाले समय में ये बदलेगा, वो तो ठीक है, बट कुछ ऐसा अचानक से हो जाए इन फ्यूचर में जो कि आपने सोचा नहीं था, अनएंटिसिपेटेड था, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपकी स्ट्रेटेजी ही काम आएगी। तो स्ट्रेटेजी आप उस टाइम पे बना लोगे कि देखो ये चेंजेस हुए हैं, तो हमें अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हम इस तरीके से काम करेंगे, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी इट इज पॉसिबल। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, एफिशिएंट स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट, है ना। तो एफिशिएंट स्ट्रेटेजी अगर आपकी होती है फॉर्मेशन में रिजल्ट, तो जो आपका रिजल्ट है उसमें दिखता है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उसमें आपका रिजल्ट दिखता है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही अच्छी थी। अगर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी तो आपका फाइनेंशियल रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। यू नो दीज आर द यू नो इंडिकेटर्स जिसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स को बढ़ाने में, हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स फोकस इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड दस प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो स्ट्रेटेजी जो एक तरीके से फोकस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके आप अपने स्ट्रेटेजी को प्लान करते हो, तो आपका डायरेक्शन भी सेम वे में रहता है, राइट ना। तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है फोकस करने में कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है आप उसको पूरा करने के लिए काम करो, और जो क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है वो भी आपको क्लियर हो जाता है ना, कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर आपका फोकस क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो आपका जो काम करने का तरीका होगा, आप जिस वे में जाओगे, जो आपका डायरेक्शन होगा वो भी आपका क्लियर होगा, उसमें भी आपकी क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज इंश्योर्ड विद इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को हासिल किया जा सकता है विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से करोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत इफेक्टिव वे में कर पाएगा, और जो ये टर्म का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, उसका एक तरीके से आप इंश्योर कर पाओगे अपने अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, कि आपका जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, आप खुद भी देख पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है इस चीज में आपकी हेल्प करता है। अगला पॉइंट है, स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बाय प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू द पर्सनल, है ना। तो स्ट्रेटेजी एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, जिसके जरिए जो पर्सनल होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको भी प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल पाता है कि भैया जो हम लोगों ने काम किया उसके बदले जो है ये ग्रोथ कंपनी में आया है, या ये ग्रोथ हमें खुद भी देखने को मिल रहा है, या ये ग्रोथ हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आया है। ये सारी चीजें जो है स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इन चीजों में हेल्प करता है। इट गेट्स मैनेजर इनटू हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड दस मेक्स देम प्रोएक्टिव एंड मोर कॉन्शियस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो मैनेजर्स को एक तरीके से एक हैबिट उनके अंदर ला देती है, सोचने वाली हैबिट, ठीक है ना, कि आने वाले समय में क्या करना है, ये चेंजेस होंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, ऐसे चेंजेस होंगे तो हमें क्या करना होगा, तो उनको वो प्रोएक्टिव बना देता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है, टेक्निकल टर्म है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि एक्टिव से ज्यादा एक्टिव होना। जैसे मुझे कोई काम मिला, मैंने फटाफट उसको कर दिया, पर मुझे कोई काम मिलने वाला है और उस काम को मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया, अभी तक मुझे मिला नहीं है, पर मुझे पता है कि वो काम मुझे ही मिलेगा या मिल सकता है, तो मैंने उस काम के ऊपर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज व्हाट प्रोएक्टिव मींस, है ना, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना, पहले से एक्टिव होना,
है ना, वो चीज प्लस जो कॉन्शियसनेस है एनवायरनमेंट को लेकर के, वो आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। आसपास में जो भी आप एनवायरनमेंट देखते हो उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हो। तो स्ट्रेटेजिकल जो जो एनवायरनमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसको आप बहुत जरिए जल्दी जो है आप समझ पाते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीजों को कर पाते हो। तो ये मैनेजर को एक तरीके से मैनेजर के अंदर हैबिट ऑफ थिंकिंग डाल देता है स्ट्रेटेजी, जिसके जरिए वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, और वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से और रन कर पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू इंप्लॉइज एज इट पेव द वे फॉर देम टू शेप देयर वर्क इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्ड कॉर्पोरेट गोल्स एंड अल्टीमेटली दे वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स, है ना। यहाँ पे इसका पूरा अगर आपको नहीं भी पढ़ना होगा तो ये पहले लाइन में जो दो तीन वर्ड्स हैं इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। ये इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, अब स्ट्रेटेजी जो है एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देती है। वो कैसे देती है? अब वो इस तरीके से देती है कि आप सोचो कि आपको पता है कि आपका कॉर्पोरेट गोल क्या है, उस गोल के तहत उस ऑब्जेक्टिव के तहत आपने कोई स्ट्रेटेजी तैयार की, उस स्ट्रेटेजी के तहत आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो कि आप उस चीज को अचीव कर पाओ, है ना। तो जब आप चीजों को करने लगते हो ना तो आप छोटे छोटे यू नो टारगेट्स आपके अचीव होने लगते हैं। तो जब छोटे छोटे टारगेट्स आपके अचीव होने लगते हैं तो इससे एम्प्लॉइज को बहुत फायदा होता है, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है, उनका मोराल बहुत हाई हो जाता है, कंपनी जो है सही डायरेक्शन पर जा रही है एंड द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट आर वेरी लाइक बिग। जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं वो अच्छे बड़े हैं, तो उनको वो चीज ना दिखने लगती है, उनको छोटे छोटे टारगेट उनके मीट होने लगते हैं, तो उनसे उनका मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो स्ट्रैटेजी जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी गोल्स है कंपनी के कॉर्पोरेट गोल्स हैं आप उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, और सारे लोग आपस में यू नो शेयर करते हैं चीजों को, साथ में मिल करके काम करते हैं, तो अल्टीमेटली उनको ये मोटिवेशन होता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो बिना वजह का नहीं है, है ना। जब आप किसी चीज में मीनिंग ढूंढ पाते हो ना, जब वो चीज आपके लिए मैटर करने लगती है ना, तो आपका जो इफेक्टिवनेस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि स्ट्रैटेजी इस मामले में काफी हेल्प करता है। अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू इन्वॉल्व डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जब हम करते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी जो है मैनेजमेंट को मिलती है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, वो सारे लोग आपस में मिलकर के किसी प्रोसेस को करें, है ना। सपोज कोई काम आपको करना है और आपको करना है, आपको ये पता है तो आप ये काम किए जा रहे हो, बट सपोज हम लोगों ने पहले से स्ट्रैटेजी तैयार करके रखी है कि ये काम अगर मिलेगा तो चूंकि ये काम दो डिपार्टमेंट्स का है या दो लेवल्स का है, तो यहाँ पे दोनों लेवल आपस में मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। तो स्ट्रैटेजी पहले से बना करके रखने से ये एक फायदा होता है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है मैनेजमेंट के पास कि वो लोग जो है साथ में मिलकर के काम को कर सके, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके देन, तो लास्ट टॉपिक है हमारा इट इम्प्रूव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी जो है एक तरीके से हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करती है, जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द एम्प्लॉईज एंड द टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो उस चीज को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसको सही जगह पे यू नो इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस मामले में जो है स्ट्रैटेजी बहुत हद तक हमारा हेल्प करता है। तो विद ऑल द बेनिफिट लिस्टेड अबव इट इज क्वाइट क्लियर दैट स्ट्रैटेजी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द मींस टू अचीव द एंड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है ना। तो वही बात बोली गई है कि विद जो भी बेनिफिट्स हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसके जरिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट होती है, जिसके जरिए हम यू नो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में जो है चीजों को अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल अप्लाई स्ट्रैटेजी और यू विल स्ट्रैटेजी योर यू नो बिजनेस अफेयर्स, इन सारी चीजों को अगर आप करते हो तो ये बेनिफिट्स आपको मिलती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी बताया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।